हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना। तो देखिए, आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन को हल किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि को से हल करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दो प्रकार की इक्वेशन मिलेगी, दो प्रकार की इक्वेशन दी होगी। सबसे पहले माना कि इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से इजी कोई विधि नहीं होती है, बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ से देखिए आपको एक यहाँ से भी मैं प्रतिस्थापन का पहले अर्थ समझो कि प्रतिस्थापन होता क्या है। मान लो कि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, मेरे पास मान लो कि कुछ ही आ गई, x की मान कुछ भी आ गया, एक बार समझो आप, तो x का मान आ जाए और वो मैं y इक्वेशन नंबर देखो सेकंड से एक्स का मान निकाल लूँ और वो फर्स्ट में रख दूँ, अर्थात मान किस से निकाला मैंने, सेकंड से, रखा किस में, फर्स्ट में। तो देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड से मान निकाल कर फर्स्ट में रखा, जिससे मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिल जाती है, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो अर्थात एक इक्वेशन से मान निकाल कर दूसरी इक्वेशन में रखना और दूसरी इक्वेशन का पहली इक्वेशन में रखना, यही प्रोसेस ही हमारी प्रतिस्थापन कहलाती है। तो देखिए, मुझे आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी मान निकाल लें, यदि आप फर्स्ट से मान निकालेंगे तो आपको सेकंड में रखना है, यदि सेकंड से एक वैल्यू निकालेंगे तो आपको फर्स्ट रखना है। देखिए, मुझे सेकंड इजी लग रही है, तो देखिए समीकरण नंबर दो से मैं क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मुझे पता है माइनस का वाई इधर भी जुआ तो प्लस का चार हो जाएगा। तो समीकरण नंबर दो से समीकरण दो क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई बराबर चार। तो देखिए, माइनस का वाई इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स इजिकल टू चार, वो माइनस का वाई इधर भी गया तो प्लस का वाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, यदि ये एक्स की वैल्यू मैं समीकरण नंबर एक में रख देता हूँ तो वहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, मान किससे निकाला मैंने, सेकेंड से, रखूँगा किस में, फर्स्ट में, और यह प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन कहलाती है। तो देखिए, बिल्कुल ईजी है, ध्यान से समझना, एक्स का मान चार प्लस वाई आया, मैं कहाँ रखूँगा समीकरण एक में, तो लिखना आपको एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर। क्यों रखा एक में, क्योंकि सेकंड से मान निकाला है, यदि फर्स्ट पर फर्स्ट से हम वैल्यू निकालते एक्स की तो वो सेकंड में रखते, अब एक्स का मान हमने सेकंड से निकाला है तो वो फर्स्ट में रखेंगे, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मान कहाँ पर रखेंगे हम, फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट क्या हमारी, एक्स प्लस वाई बराबर चौदह। तो एक्स का मान क्या था मेरे पास, चार प्लस वाई, तो एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, चार प्लस वाई, और प्लस में वाई पहले ही है, बराबर में चौदह। तो यहाँ से देखिए, वाई और वाई कितना हो गया फ्रेंड्स, चार प्लस टू वाई हो गया, वाई और वाई टू वाई बराबर में चौदह, प्लस का चार इधर जाएगा तो माइनस का चार, क्योंकि हमें पता है कि मुझे तो एक वाई की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो देखिए, प्लस का चार इधर गया तो यहाँ से समाप्त तो जाएगा, क्योंकि मैंने इधर भेज दिया तो इधर जाकर माइनस का चार हो जाता है, तो हमें पता है कि बराबर की इधर जाकर चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, चौदह में से चार गया दस, और इधर क्या बचा मेरे पास, टू वाई, मुझे तो वाई की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, इसके साथ तो मल्टीप्लाई में दो भी है, तो दो को मैं इधर भेज देता हूँ, तो दो को इधर भेज दिया तो यहाँ से दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या, हटा देंगे, तो दो को मैंने इधर भेज दिया तो ये भाग में गया, जब 10 के अंदर 2 का भाग दिया तो मेरे पास 5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, y की वैल्यू आ गई। यदि मैं y की वैल्यू किस में रखता हूँ, किस में रखूँ, यदि समीकरण 2 में रखता हूँ y की वैल्यू, देखिए अब यहाँ से अब आपके पास y की वैल्यू आई है, वो आप कहीं भी रख सकते हैं, यह यहाँ भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ रखूँ तो भी मेरे पास सेम आएगा, मान लो कि ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। आप किन कौन सी भी इक्वेशन में रख देना, आपका पास वैल्यू है वो सेम आएगी। मानते हैं कि मैं समीकरण 3 में रखता हूँ, किसकी वैल्यू, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में, इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरी, x इजिकल टू, क्यों रखा इसमें रखना क्या जरूरी था, नहीं, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी थी, यहाँ पे तो आपको इजी इक्वेशन है, लेकिन इसके और पार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मार रखेंगे हमें टाइम भी कम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। तो देखिए, एक्स इजिकल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, एक्स इजिकल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5, 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 9, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5।
एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो देखिए एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 5 आ गई। तो देखिए इस प्रकार हमने एक्स और वाई के मान निकाले, वो भी कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। हमने क्या निकाले, एक्स और वाई के मान निकाले। देखिए फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई की मान निकालना बिल्कुल ईजी है। इसी प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले इसको पार्ट फर्स्ट मानना है, इसको पार्ट नंबर सेकंड। आपको चाहे इस सेकंड से अगर आप एक्स का मान निकाले तो वो कहाँ पे रखना है, फर्स्ट में रखना है। यदि आप फर्स्ट से एक्स का मान निकाले तो वो सेकंड में रखना है। प्रतिस्थापन का अर्थ ही क्या है कि एक से मान निकाला दूसरी में रखा, दूसरी से मान निकाला पहली वाली में रखा, इसको ही अर्थात प्रतिस्थापन करना, एक से दूसरे में रखना, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इस विधि से आपको एक्स और वाई की मान निकालनी होती है। हमने एक्स और वाई की मान निकाले फ्रेंड्स, बिल्कुल ईजी है एक्स और वाई की मान निकालने। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।